हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर क्लासेस। मैं बाय उपेंद्र पांडे। गाइज, मैं जैसा कि आप लोगों को इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग मैकेनिकल सिक्स सेमेस्टर के चैप्टर सिक्स वाले में बारे में बात करने वाला हूँ। तो यहाँ पे वृत्त एवं प्रोत्साहन योजना, ठीक, यहाँ पे बेप्स एंड इंसेंटिव, ठीक। तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग को नेक्स्ट क्लासेस में चैप्टर्स फाइव के कुछ लेक्चर्स ऑलरेडी मिल चुके थे, तो आज के चैप्टर्स है चैप्टर सिक्स, ठीक। तो यहाँ पे हम जैसा कि आप लोग को वृत्ति और प्रोत्साहन क्या होता है, इसके आश्रय क्या होते हैं, इसकी प्रणाली कौन कौन से होते हैं, इनमें कौन कौन से अंतर होते हैं, आप लोग को इस वीडियो में देखने को मिलेगा, ठीक। जैसा कि आप लोग को स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, तो यहाँ पे अध्याय सिक्स, अध्याय सिक्स क्या है, वृत्त एवं प्रोत्साहन योजना, ठीक। तो यहाँ पे इसका इंट्रोडक्शन हम देखेंगे। इंट्रोडक्शन क्या कहता है कि अगर हम किसी भी कारखंड को, किसी भी ऑपरेशन, किसी भी फैक्ट्री या फॉर्म में काम किया जा रहा है किसी श्रमिक द्वारा, तो श्रमिक सबसे ज़्यादा यह सोचता है कि कम से कम समय में, कम से कम कार्य में अधिक से अधिक ज़्यादा धन कमा सकें, तो क्या कहलाता है, वृत्त एवं प्रोत्साहन कहलाता है, ठीक। यहाँ पर जैसा कि आप लोग को देखेंगे, तो यहाँ पे डॉक्टर सेल्वर्ड के अनुसार हम जब कहते हैं तो श्रम अधिक परिणाम में भले ही मिल जाए, परंतु उसे सस्ता खरीदना दुष्पूर्ण मितव्ययिता होती है। यानी जैसा कि आप लोग को बता दें कि श्रमिक क्या कहते हैं कि भले ही कम दाम में मिल जाए, बट जो उसमें कार्य यानी गुण है श्रमिक के अंदर, वो गुण है, वो सारी चीज़ें श्रमिक यानी रूपों के माध्यम से यानी श्रम किसके माध्यम से नहीं मिल सकती, क्योंकि नियोक्ता केवल श्रम नहीं चाहता अपितु श्रम का वांछित फल चाहता है। यानी जो कार्य करने का गुण हो, ठीक, उन्हें तजुर्बा है, उनको ये चाहता है यानी श्रमिक, ठीक, एक प्रकार से, ठीक, जो सस्ते से नहीं मिलेगा। यानी जो श्रमिक सही रूप से गुणवान होगा और नॉलेजदार होगा, तो सस्ते में नहीं आएगा किसी भी फैक्ट्री या फॉर्म में काम करने के लिए, ठीक। तो वही आप लोग कहता है वृत्ति एवं प्रोत्साहन के अंतर्गत, ठीक। आगे कहता है, क्या कहता है, तीव्रता से बदलती हुई इस दुनिया में मानव को एक दूसरे पर निर्भर, यानी जैसा कि आप लोग को कोई भी बताया गया कि अगर किसी फैक्ट्री में फॉर्म में काम किया जा रहा है एक अकॉर्डिंग, तो जो फैक्ट्री में काम किया जाएगा तो उसमें जो एक प्रकार से अदलाव बदलाव किया जाएगा, ठीक, अदलाव बदलाव किया जाएगा, वो सही रूप से संचालित रूप से होना चाहिए, ठीक, एक प्रकार से, और सही रूप से एक प्रकार से आज ईजी तरीके से बनाया जाना चाहिए। दूसरे पर निर्भर रखने की प्रतिदिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, और प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे सेवाओं के लिए किराए, मजदूरी एवं लेने की आवश्यकता पड़ती है। इस श्रम की कीमत की वृद्धि एवं मजदूरी कहते हैं, यानी एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि श्रमिक की आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पाती हैं, तो वो फैक्ट्री या फॉर्म में काम करते हैं रुपयों के लिए, ठीक। तो क्या करते हैं, अगर फैक्ट्री या फॉर्म में दूसरे में नहीं कार्य किया जाता है, तो मजदूरों की सहायता से, मजदूरों की सहायता एक दूसरे की सहायता करते हैं, ठीक, एक दूसरे से उधार लेते हैं, वो क्या कहलाता है, वृत्ति या मजदूरी के अंतर्गत आता है, ठीक। नेक्स्ट आता है, तो नेक्स्ट कहते हैं वृत्ति एवं मजदूरी के आश्रय कौन कौन से होते हैं, तो वृत्ति और मजदूरी के आश्रय कौन कौन से होते हैं, जहाँ पे देखेंगे तो किसी भी मजदूर एवं कर्मचारियों के द्वारा किए गए कार्य प्रतिदिन स्वरूप मुद्रा से मजदूरी तथा वृत्त कहते हैं। यानी हम कह सकते हैं अगर किसी फैक्ट्री या फिर कहीं भी अगर कोई भी श्रमिक कार्य कर रहा है, दिन भर कार्य कर रहा है, प्रतिदिन स्वरूप में कार्य कर रहा है, तो जो मुद्रा की मजदूरी है यानी जो मुद्रा उसे दी जाती है, वो क्या कहलाती है, मजदूरी एवं वृत्त कहलाती है। आई होप कि अब आप लोग को मजदूरी एवं वृत्त एकदम ईजी ढंग से समझ में आए। यहाँ पर अच्छी डिफिनीशन है, तो क्या कह सकते हैं हम एकदम सिंपल मेथड से, अगर कोई भी श्रमिक कार्य करता है किसी फैक्ट्री या फिर कहीं पर भी, तो जो दिन भर कार्य करता है उनके बदले पे कोई मुद्रा दी जाती है, ठीक, मुद्रा देने की प्रक्रिया को ही क्या कहलाते हैं, वृत्ति एवं मजदूरी कहलाते हैं, ठीक। तो यहाँ पे मजदूरी की दूर श्रमिक का मांग संभारिक प्रतीक है, या अनुभव सिद्ध है कि भारत जैसे देशों में प्रबलता समानता मालिकों के अक्ष में होते हैं, अतः कर्मचारियों को अनुसूचित शोषण में संरक्षण प्रदान करने के लिए सरकार न्यूनतम वेतन अधिकतम बनाया गया है, ठीक। तो वही बताया गया जैसा कि आप लोग को फैक्ट्री फॉर्म में काम किया जा रहा है, ठीक, तो उनके लिए सरकार सही रूप से सुनिश्चित रूप से एक वेतन बनाया गया है कि आप लोग को इतने देर में इतना काम करोगे, ठीक, तो वहाँ पे आप लोग का इतना प्रूपेज, ठीक, यानी अपने कितनी पूंजी आपको इतना धन मिलेगा, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक आता है, तो आदर्श मजदूरी भुगतान प्रणाली के लक्षण, तो यहाँ पे कौन कौन से लक्षण होते हैं, जैसा कि आप लोग को बताया गया कि यहाँ पे श्रमिक देने की पद्धति में इस प्रकार होनी चाहिए कि जिसे उत्पादन व्यय हो कम हो तथा दूसरे श्रमिकों में प्रति उत्साह बना रहे। यानी एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि अगर कोई भी फैक्ट्री में काम कर रहा है कोई भी श्रमिक, तो ऐसे भुगतान यानी ऐसे प्रोत्साहन देना चाहिए कि श्रमिक को कार्य करने में मन लगे, ठीक, ना कि गुस्से में कुछ इधर उधर बोल दीजिए, तो वो क्या होता है कि श्रमिक में एक प्रकार से टूटी बैठ जाती है कि मैं, मुझे ये काम नहीं करना, या फिर करना है तो मैं कुछ इतना ही काम करना। अगर आप लोग एक प्रकार से मोटिवेशन यानी उत्साहन देंगे किसी भी श्रमिक को, अगर वो काम नहीं करना भी चाहता है तो वो काम करने के लिए राजी हो जाता है, ठीक। तो इनमें कौन कौन से लक्षण होने चाहिए,
लक्षण है दोनों पक्षों के लियाकत, यानी ऐसा काम कहना चाहिए कि जो प्रबंधक को भी काम लाभ हो जाए और श्रमिक को भी लाभ होना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट आता है तो गणना में सरलता। अगर कोई भी प्रोडक्ट बनाया जा रहा है तो उन्हें सही रूप से, सटीक रूप से, सरल हो। ठीक, नेक्स्ट आता है तो कार्य क्षमता पर आधारित। किसी भी कारखाने को बनाया जा रहा तो किस कार्य क्षमता पर किया जाएगा? ठीक, जहाँ श्रमिक को जैसा वेतन मिलता है उनकी कार्य क्षमता में सिद्ध नहीं हो पाती है, यानी एक प्रकार से कह सकते हैं किसी भी फैक्ट्री में काम कर रहा है कोई भी श्रमिक, तो एक प्रकार से सही रूप से वेतन भी दिया जाए और कार्य भी उसी के अकॉर्डिंग हम करवाएं। नेक्स्ट आता है तो पारिश्रमिक तथा निश्चित आकार। अगर कोई भी श्रमिक कार्य कर रहा है तो उनका निश्चित आकार होना चाहिए, यानी पारिश्रमिक देने का आकार अपनाया जाना चाहिए चीज़ अपने भी। ठीक, तो इन सभी चीज़ों को आप लोग ध्यान में रखते हुए। नेक्स्ट आता है तो प्रेरणात्मक। प्रेरणात्मक किसके अंतर्गत आता है? तो मजदूर भुगतान की विधि प्रेरणात्मक होनी चाहिए, यानी हम कह सकते हैं जो मजदूर होते हैं और भुगतान होती है वो प्रेरणात्मक होनी चाहिए। जैसा कि आप लोगों को कोई भी श्रमिक पार कर लिया गया, काम कर लिया गया, तो उन्हें तुरंत ही धन दे दिया जाए, तुरंत ही उनका पैसा यानी फल तुरंत ही प्राप्त हो जाए, तो क्या करता है श्रमिक सही रूप से, संचार रूप से अपना कार्य करता है। ठीक, नेक्स्ट आता है तो तकनीक भुगतान। तकनीक भुगतान किसमें आ जाता है? तो सर्वोत्तम भुगतान। सर्वोत्तम भुगतान पद्धति मानी जाए जिसमें पारिश्रमिक को भुगतान को तुरंत मिल सके। ठीक, तत्कालिक भुगतान किसके अंतर्गत आता है? कि जैसा कि हमने कोई भी श्रमिक कार्य कर लिया गया, अब तुरंत ही कार्य उसका पैसा दे दिया जाए, तो कैसे कहता है तत्कालिक भुगतान के अंदर। न्यूनतम प्रश्रमिक आ गया, मितव्ययता हो गया, उत्पाद के मुख्य सुधारने में सहायक हो गया, अन्य गुण हो गया, तो इन्हीं सब चीज़ों के लिए आपके लक्षण होते हैं, यानी गुण होते हैं आदर्श मजदूरी भुगतान प्रणाली के लक्षण में। ठीक, नेक्स्ट आता है तो नेक्स्ट कहता है मृत मजदूरी के प्रकार। तो ये कौन कौन से होते हैं? तो एक ये पांच प्रकार से होते हैं, मौद्रिक मजदूरी, वास्तविक मजदूरी, उचित मजदूरी, न्यूनतम मजदूरी और निर्वाह मजदूरी। ठीक, यहाँ पे आप लोग को ये क्वेश्चन में मोस्ट इंपॉर्टेंट है और पूछा भी जा सकता है मृत मजदूरी के प्रकार कौन कौन से होते हैं, तो आप लोग को इसके बारे में लिख दीजिएगा। नेक्स्ट आता है तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष श्रमिक कौन कौन से होते हैं। जैसा कि आप लोग को प्रत्यक्ष श्रमिक उस श्रमिक को कहते हैं कि अगर कोई भी फैक्ट्री में काम किया जा रहा है तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि वो अपने हाथों द्वारा निर्मित करे। ठीक, किसी भी कार्य को अपने हाथों द्वारा निर्मित करने की प्रक्रिया को कहलाते हैं प्रत्यक्ष श्रम कहलाते हैं। तो प्रत्यक्ष श्रम किसके अंतर्गत आते हैं? जैसा कि आप लोग को वेतन हो गया, मजदूर की वेतन हो गया, कमीशन हो गया, बोनस हो गया, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? तो प्रत्यक्ष श्रम के अंतर्गत यानी लागत के अंतर्गत आते हैं। ठीक, तो यहाँ पर हम डिफिनेशन के माध्यम से देखेंगे। उत्पाद की संरचना में संयोजन की दशा बदलने के लिए पूरा श्रम प्रत्यक्ष लागत कहलाता है, अर्थात जो श्रमिक अपने हाथों द्वारा विशिष्ट वस्तुओं का निर्माण करता है वो प्रत्यक्ष श्रम कहलाते हैं। ठीक, अगर किसी भी प्रोडक्ट को बनाया जा रहा है, किसी भी फैक्ट्री या फर्म में बनाया जा रहा है कोई भी उत्पाद, तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि वो अपने हाथों द्वारा निर्मित किया जाए। ठीक, तो वो किसके अंतर्गत आता है? प्रत्यक्ष श्रम के अंतर्गत आता है। अप्रत्यक्ष श्रम किसके अंतर्गत आता है? कि अपने हाथों से न निर्मित किया जाए, बल्कि अपने हाथों से वे व्यक्ति जो किसी उत्पादन कार्य में स्वयं अपने हाथों से नहीं करते परंतु उत्पादन क्रिया को सुचारू रूप से चलने का सहयोग देते हैं, एक प्रकार से अप्रत्यक्ष श्रम कहलाते हैं। जैसा कि आप कोई भी फैक्ट्री में कार्य कर रहा है तो वो अपना योगदान ना दे, अपना हाथों से यानी अपने हाथों से ना बनाए, बल्कि कुछ ना कुछ सहयोग जरूर करते रहे, उन्हें किस प्रकार से देना है, किस प्रकार से बनाना है। ठीक, इन सभी चीज़ों का जानकारी यानी इस प्रकार से श्रमिकों को जानकारी दे तो क्या कहलाता है? अप्रत्यक्ष श्रम कहलाता है। अप्रत्यक्ष श्रम किसके अंतर्गत आता है? तो जैसा कि आप लोगों को अप्रत्यक्ष श्रम किसके अंतर्गत आता है, तो फोरमैन हो गया, निरीक्षक हो गया, कारीगर हो गया, और एक प्रकार से प्रबंधक हो गया, चौकीदार हो गया, इन सभी चीज़ों के किसके अंतर्गत आता है? तो अप्रत्यक्ष श्रम के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट आता है तो श्रमकारी भुगतान की विधियाँ, तो कौन कौन सी होती हैं? कौन कौन सी होती हैं? समयाविक और कार्यमान पद्धति और प्रेरणात्मक मजदूरी प्रणाली। ठीक, यहाँ पे जैसा कि आप लोगों को कार्यमान की विधियाँ, मजदूरी की विधियाँ, ये आपके सिलेबस में नहीं है गाइस, तो इसलिए मैंने आप लोग को थोड़ा ही डिफिनेशन के माध्यम से बताया गया। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक आता है तो समकायिक तथा कार्यमान पर पद्धति की तुलना, इनमें कौन कौन से अंतर होते हैं। ठीक, तो यहाँ हम देखेंगे कि ये एक प्रकार से हम कह सकते हैं एक कुशल श्रमिक के लिए विशेष लाभदायक नहीं है। इसमें समयानिक दर पद्धति में क्या होता है, तो ये एक प्रकार से हम कुशल श्रमिक की आवश्यकता नहीं हो, यानी कुशल श्रमिक या फिर कम ही जानकार श्रमिक होगी। ठीक, तब भी इस समयानिक दर पद्धति में काम कर जाएगा कर जाएगा। नेक्स्ट आता है तो यहाँ पे जैसे कि आप मात्रा कार्य मान दर पद्धति में क्या होता है कि यह कुशल श्रमिकों के लिए विशेष लाभदायक होता है। ठीक,
यहाँ पे जैसा कि आप लोगों को कोई भी श्रमिक हो गया तो ज़्यादा जानकारी होना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट कहता है, नेक्स्ट कहता है कि यह भुगतान के आधार पर समय अनुसार देना चाहिए। इसमें क्या होता है, सामयिक दर दर पद्धति में क्या होता है कि इसमें जो श्रमिक लगते हैं उन्हें समयानुसार भुगतान किया जाता है। यानी एक प्रकार से जितना कार्य किया जाएगा 1 मंथ में 2 मंथ में उनका पूरा ब्यौरा किया जाएगा, तब फिर आपका वेतन उसका वेतन मिलेगा। जबकि इसमें मात्रा कार्यान्वयन पद्धति में क्या होता है कि जितना भी कार्य कोई भी श्रमिक करे उनको तुरंत ही भुगतान कर दिया जाता है। नेक्स्ट आता है तो इसमें मजदूरी की दिशा निश्चित होती है, राशि निश्चित होती है, जो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि कोई भी कितनी भी श्रमिक कार्य कर रहा है। ठीक, अगर 12 घंटे की ड्यूटी है तो 8,000 का वेतन है तो 8,000 सारे श्रमिक को दिया जाएगा। बट इसमें क्या होता है, इसमें ऐसा नहीं होता कि कितना भी श्रमिक, उस पर डिपेंड करता है कि कितना श्रमिक कितना वर्कआउट कर ले जाता है उसके ऊपर से ये राशि उत्पन्न होती है। नेक्स्ट कहता है तो इसमें छुट्टियों का आकर्षण रहित श्रमिकों की छुट्टियों का भी वेतन मिलता है। यानी जैसा कि आप लोग को क्या कहा गया, तो इसमें जो फर्स्ट वाले में क्या था, यानी समयिक दर पद्धति में क्या होता है कि इसमें जो छुट्टियां होती हैं उनको भी श्रमिक का पैसा दिया जाता है। और इसमें क्या होता है, इसमें छुट्टियों का आकर्षण अभाव रहता है। यानी इसमें जो फैक्ट्री में अगर छुट्टी लग गई तो उनमें छुट्टी की पैसा नहीं मिलता है। ठीक, नेक्स्ट आता है तो नेक्स्ट कहता है इसमें नेक्स्ट आता कहता है तो पाँचवें वाले में पाँचवा क्या कहता है, इस पद्धति में श्रमिक को कार्य करने के लिए प्रेरणा नहीं दी जाती है। जो एक प्रकार से फैक्ट्री में काम किया जा रहा है, जो प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं उसमें किसी भी फैक्ट्री में काम किया जा रहा है, तो श्रमिक को ज़्यादा प्रेरणा नहीं देती है कि आप लोग कार्य ही करें। और बट इसमें क्या होता है, मात्रा कार्य दर पद्धति में होता है कि श्रमिक को प्रोत्साहन किया, यानी प्रेरणा देती है कि आप लोग को इतने घंटे में इतना कार्य करना है। ठीक, तो आई होप गाइस यहाँ पे आप लोग को समय और कार्यमान पद्धति पर एकदम इजी ढंग से समझ में आया होगा। मजदूरी भुगतान की वृद्धियाँ क्या होती है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सब पर श्रमिक भुगतान क्या होता है, ठीक, मृत मजदूरी प्रकार क्या होती है और मृत मजदूरी क्या होता है, एकदम इजी ढंग से समझ में होगा। तो बस गाइस आज के लिए इतना। अगर वीडियो अच्छी लगे, चैनल पर नया हो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।